हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी चिला, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और आधा मैंने यहाँ पर आधा प्याज लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पत्ता गोभी को चॉप करेंगे। तो चॉपर अगर आपके पास हो तो उससे चॉप कर ले, नहीं तो आप इसको चाकू से भी छोटा छोटा कट करके चॉप कर सकते हैं। तो पत्तों को हम तोड़ तोड़ के, हमने अच्छे से सारी सब्जियों को वॉश कर लिया है, पत्तों को तोड़ के काट के हम इसमें डाल देंगे चॉपर में, थोड़ा सा छोटे छोटे पीस करके, और इसको हमें बारीक चॉप कर लेना है। इस तरीके से हम इसको चॉप कर लेंगे प्रेस करते हुए। तो सारे पत्ता गोभी को हमने चॉप कर लिया है। अब हमने यहाँ शिमला मिर्च और प्याज को भी इसमें डाल दिया है, तो इन दोनों को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया। अब एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम एक बाउल गेहूं का आटा। अब जो सारी सब्जियाँ हमने चॉप करके रखी, सारी सब्जियों को हमें आटे में मिक्स कर देना है। बहुत टेस्टी ये चिला बन के तैयार होता है। आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, चिला भी बना सकते हैं। अगर आपको पराठे बनाना हो तो इसको बेलना पड़ेगा आपको इंस्टेंट, लेकिन अगर चिला बनाना हो तो आप इसको घोल के रख सकते हैं। आप इसको आराम से आधे एक घंटे बाद भी बना सकते हैं। सभी सब्जियों को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। तो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट भी है या इंस्टेंट डिनर रेसिपी भी। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का बनाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा पिंच हल्दी डालेंगे। बस तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा। हमें बैटर को गीला बिल्कुल नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी ही होनी चाहिए। थोड़ा पानी हमने और ऐड किया है, उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए बैटर की, बहुत ज़्यादा पतली पतला बैटर नहीं होना चाहिए। तो बस चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए बिल्कुल इसी तरीके का बैटर आपको रखना है। पैन हमने चढ़ा दिया है, इसमें तेल हमने पहले से ग्रीस कर दिया है, ऑयल को, ऑयल या घी जिसमें भी आपको सुविधा हो आप बना सकते हैं। एक कलछुल इसमें बैटर डालेंगे, थोड़ा बैटर और डालेंगे और बैटर को अपनी मनचाही शेप में आप इसको फैला सकते हैं। बड़ा छोटा जैसा भी शेप आपको चाहिए उस शेप में आप इसको फैला दीजिए। मैं इसको जितना बड़ा पैन है उसी की साइज़ का मैं इसको फैला रही हूँ। स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से हम फैला देंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है आपको। साइड से हम इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। तो बस इसको हमें दोनों साइड से हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। पहले ऊपर से नीचे से हम इसको जब अच्छे से सेक जाएगा तब तक हम इसका वेट करेंगे। जब ये ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाएगा, यानी ये नीचे से सेक चुका है, अब इसको पलट देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर से, अब इसको हम पलट देंगे। तो आप देख पा रहे कितना बढ़िया हमारा ये चिला सेक के रेडी हुआ है। बस इसको नीचे से भी अच्छे से इसी तरीके से सेक लेना है, बिल्कुल गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये चिला बन के रेडी हुआ है। तो बस हमारा चिला तैयार है, इसको हम सर्व कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।